आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन को लेकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के माइक हैसन ने गाइस यहां पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पे उन्होंने ऑक्शन के बारे में बात किया, जहां पे उन्होंने रिटेंशन के बारे में बात किया। तो गाइस यहां पे कई ऐसी बातें माइक हैसन ने बताए हैं, तो उसके बारे में आज की वीडियो में हम करेंगे बात। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी आरसीबी के फैंस के लिए, तो प्लीज आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार्ट पंटर एप्लीकेशन के बारे में। एक कमाल की साइट है जहाँ पे आप लोग वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन करके गाइस यहाँ पे पैसे कमा सकते हो बिल्कुल आसानी से। और उसके अलावा गाइस आप लोग एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं, एंड गाइस आपको चांस मिलता है होंडा सिटी जीतने का, मैकबुक जीतने का, आईफोन 12 प्रो जीतने का मौका मिल जाता है इस साइट में। एंड गाइस उसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ पे साइन अप बोनस आपको 500 मिलेंगे, और गाइस अगर आप लोग फ्रेंड को रेफर करते हो तो उसके बदले आपको बोनस में गाइस 40% मिलेंगे। तो काफी कमाल है यार, तो जल्दी जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन पे और आप लोग यहां से गाइस अपनी एप्लीकेट बना सकते हो जिसके जरिए गाइस आपको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिल जाएंगे। एंड डिपॉजिट करने के लिए यूपीआई कार्ड एंड वॉलेट बैंक बिटकॉइन सब भी अवेलेबल है, तो जल्दी जाइए, कमेंट में लिंक है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले माइक हैसन के बारे में। माइक हैसन ने गाइस यहां पे ऑक्शन के बारे में उन्होंने क्या कहा, तो गाइस उन्होंने सबसे पहले ऑक्शन के बारे में कहा जहां पे उन्होंने ऑक्शन के टाइम के बारे में बात किया, जहां पे ऑक्शन का टाइम बहुत ज्यादा कम है। उनकी तरफ से उनका ऐसा कहना है कि ऑक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कम है, एंड यहाँ पे रणजी ट्रॉफी होने वाली है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी होने वाली है इंडिया में। एंड उसके बाद गाइस उन्होंने वर्ल्ड कप के बारे में बात किया जहाँ पे वर्ल्ड कप भी अभी खेला जाने वाला है, तो हम लोग उस चीज़ को पहले देखेंगे, उसके बाद ये ऑक्शन की जो स्ट्रैटेजी वगैरह है हम लोग थोड़ा सा बनाएंगे, एंड थोड़ा सा हम लोग इस बार इंडियन खिलाड़ी की तरफ भी देखेंगे, एंड इंडियन टैलेंटेड खिलाड़ी को हम लोग इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे अपनी टीम में, एंड नया स्क्वाड बनेगा आरसीबी की टीम में। तो गाइस ये भी बता दिया माइक हैसन ने कि एक नया स्क्वाड हम सभी को पूरी तरीके से नजर आने वाला है, यानी कि कुछ कुछ जो खिलाड़ी हैं वो मतलब अब आरसीबी की टीम से पूरी तरीके से विदाई लेने वाले हैं। उसके बाद गाइस उन्होंने बात किया ऑक्शन के बारे में, एंड उसके बाद जो रणजी ट्रॉफी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेला जाने वाला है उसको पहले वो देखेंगे, उसके बाद ही गाइस अब माइक हैसन स्ट्रैटेजी बनाएंगे ऑक्शन की, जो कि जिस तरीके से आरसीबी के चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाता था बिल्कुल उसी तरीके से आरसीबी के चैनल पे आप सभी को वीडियो देखने को मिल जाएगा, माइक हैसन ने ऐसा कहा। एंड जिस तरीके से ऑक्शन का डेट आते जाएगा उसी तरीके से आगे आप सभी को भी अपडेट मिलते जाएंगे, माइक हैसन ने ये कहा है। उसके बाद गाइस यहां पे माइक हैसन ने बात किया रिटेंशन को लेके, तो गाइस रिटेंशन को लेके उन्होंने ये कहा कि आरसीबी की रिटेंशन को लेके बिल्कुल भी उनको फिक्र नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा था कि कौन कौन से खिलाड़ी को हमें रिटेन करना है। एंड उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर लोगों को पता भी है, एंड आरसीबी के फैंस को पता है कि आरसीबी की टीम कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करने वाली है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि पूरा फिक्स है आरसीबी की टीम उन चार खिलाड़ी को ही करेगी रिटेन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल एंड युजवेंद्र चहल। ये चार खिलाड़ी मेरे हिसाब से यहाँ पे रिटेन होने वाले हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं एंड कमाल के खिलाड़ी हैं, एंड तीन बल्लेबाज को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी आरसीबी की टीम, और भी बल्लेबाज ऑक्शन से इंक्लूड करना चाहेगी। और गेंदबाजी के बारे में बात करें तो फिर युजवेंद्र चहल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली है आरसीबी की टीम। मेरे हिसाब से इन चार खिलाड़ी को ही करेगी रिटेन आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 के लिए, जिस तरीके से माइक हैसन ने कहा कि ज्यादातर लोगों को पता है। तो आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आरसीबी की टीम आईपीएल 2022 के लिए कौन से खिलाड़ी को करने वाली है रिटेन, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लोग जरूर बताइएगा। तो कैसे भी माइक हैसन की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने निकल कर आ रही थी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।